15 क्वेश्चन पढ़िए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए मतलब एन फाइंड करना है। nth टर्म ऑफ द टू ए पी, दो ए पी गिवन है 63, 65, 67 और 3, 10, 7 इक्वल होंगे। तो इसका मीनिंग यह है कि कौन सा एन के किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल है। ठीक, करते हैं। यहाँ से एन निकाल लेंगे, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ए डी निकालेंगे, फिर ए एन निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो दो ए पी गिवन है, ठीक, फॉर फर्स्ट ए पी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से जो ए मिला हमें फर्स्ट टर्म वो आया 63। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, 65 माइनस 63 इज 2। ठीक है, और ए एन निकालिए, ए प्लस एन माइनस 20 फार्मूला लिख लीजिए, तो ये हो गया 63 एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2, 2n 60 में से 2 जाएगा 61। ठीक है, तो यहाँ an आ गया 2n प्लस 61 इक्वेशन फर्स्ट। तो यह जो ad लिखा है ना, आप इसको स्टेटमेंट लिखिएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और यहाँ nth टर्म फॉर सेकेंड ए पी, फॉर सेकेंड ए पी क्या गिवन है, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म यहाँ भी लिखिएगा, क्योंकि कहेंगे सिंबल सेम हो जाएगा, तो नहीं तो सिंबल अलग लिखना पड़ जाएगा। स्टेटमेंट लिखिएगा फर्स्ट ए पी, फर्स्ट टर्म ए इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 10 माइनस 3 इज 7। ठीक है, nth टर्म an इज इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस डी, 3 प्लस n माइनस 1 डी 7, 3 प्लस 7 n माइनस 7, तो 7 में 3 माइनस करेंगे 4। क्वेश्चन सॉरी यहाँ लिखिए, an इक्वल टू 7 n माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एन के किस वैल्यू के लिए दोनों का एन टर्म इक्वल हो, ये ना कहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 1, 2 दोनों इक्वल इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, 7n माइनस 4, ठीक, 2n माइनस 7n इक्वल टू -4 -61 हो जाएगा -65, तो हो जाएगा 5n -65, माइनस माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू हो जाएगा 65/5 जो हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ आंसर करके आप लिख लीजिए, कौन सा टर्म दोनों इक्वल होंगे, 13 टर्म। थर्टीन टर्म ऑफ द गिवन टू ए पी आर इक्वल, ऐसा स्टेटमेंट करके लिखेंगे सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, डिटरमाइन द ए पी, ए पी डिटरमाइन करना है हुज थर्ड टर्म इज 16, ए थ्री की वैल्यू 16 गिवन है, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, जो ए 7 है वो ए 5 से 12 ज़्यादा है, तो दो कंडीशन दे दिया है इसीलिए।